भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, भारत को अपराध मुक्त बनाना है, भारत में रामराज्य स्थापित करना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो भारत के संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। 125 बार संविधान में संशोधन हो चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलटा जा चुका है, लेकिन अभी तक न भ्रष्टाचार कम हुआ, न अपराध कम हुआ, न मुकदमों का जल्दी जल्दी निपटारा शुरू हुआ, न नशा तस्करी खत्म हुई है, न मानव तस्करी खत्म हुई, न घूसखोरी खत्म हुई, न कमीशन खोरी खत्म हुई। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करें, भारत के संविधान में जरूरी 20 बदलाव करें। सबसे पहले जो भारत के संविधान में चित्र बने हुए थे, भगवान राम का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, राजा भरत का चित्र था, सम्राट विक्रमादित्य का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, उन चित्रों को वापस इसमें बहाल करें, वापस इसमें फिर से जोड़ें, उससे भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत की परंपरा मजबूत होगी, भारत का ज्ञान विज्ञान और आगे बढ़ेगा। भारत के प्रियम्बल में जो इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट सेकुलर सब जोड़ दिया गया था वो बिल्कुल गलत है, वो गलत तरीके से जोड़ा गया था। उस समय लोकसभा का टेन्योर भी खत्म हो चुका था, देश में इमरजेंसी थी, कोई विपक्ष में था ही नहीं, प्रिंट मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, वो बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ा गया था। इसलिए प्रियम्बल को वापस फिर से पुनः जैसे रिस्टोर पहले था, ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर करें। प्रियम्बल में बदलना बहुत ही खतरनाक है, अगर सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो कल को इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है, कल को कुछ इसमें से और भी निकाला भी जा सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है संविधान का प्रियम्बल बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे संविधान निर्माता दिए थे वो एज इट इज रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर हमें भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 1 में जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत, उसको बदलाव करना चाहिए, इंडिया शब्द को निकालना चाहिए। भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो पर्याप्त है, इंडिया शब्द की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें भारत में अपराध खत्म करना है तो सबसे पहले वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। भारत के आर्टिकल 14 में, संविधान के आर्टिकल 14 में जो लिखा है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें लिखना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये सरकार की ड्यूटी है कि वो अगर अपराध समान है तो दंड समान होना चाहिए। आज की डेट में अपराध समान होता फिर भी दंड समान नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में धर्मांतरण अपराध है, कुछ राज्यों में धर्मांतरण अपराध नहीं है, कुछ राज्यों में गौहत्या अपराध है, कुछ राज्यों में गौहत्या अपराध नहीं है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून चल रहा है, अलग अलग सजा है। कुछ राज्यों की पुलिस बुलडोजर चलाती है, कुछ राज्यों की पुलिस बुलडोजर नहीं चलाती है। कुछ राज्यों में अपराधियों का खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाता, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं है, वन नेशन वन पिनल कोड नहीं है। इसके लिए जरूरी है संविधान के आर्टिकल 14 को बदला जाए, इसमें लिखा जाए स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम चाहते हैं कि भारत में झूठ बोलना बंद हो, देश विरोधी जो एनजीओ बने हैं इन पे कठोर कार्रवाई हो, जो देश विरोधी संगठन बन जाते हैं इनको बंद किया जाए, तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 के पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। अभी हो क्या रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसी के आड़ में लोग झूठ बोल रहे हैं और लोगों को दंड नहीं मिलता। आर्टिकल 19 में लिखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन वो सच बोलने का अधिकार है, झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 19 में लिखा है कि आप अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, लेकिन उसी आर्टिकल 19 की आड़ में PFI जैसे देश विरोधी संगठन बढ़ गए हैं। इसलिए आर्टिकल 19 के शुरुआत में एक सेंटेंस जोड़ने की जरूरत है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। आप ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते हैं जिससे भारत की एकता अखंडता खतरे में पड़े, जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो। तो देश विरोधी एनजीओ को खत्म करने के लिए, देश विरोधी संगठनों को खत्म करने के लिए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 में यह कहा गया है कि आप किसी को उसके खिलाफ गवाही के लिए यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 में जो लिखा हुआ है ना, उसके कारण ही आज तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन पाया। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में अपराध कम नहीं होगा। इसलिए आर्टिकल 19 के साथ साथ आर्टिकल 20 में बदलाव जरूरत है। आर्टिकल 21A लिखा है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी से काम नहीं चलेगा, फ्री कंपलसरी एंड यूनिफॉर्म एजुकेशन पढ़ाना उपलब्ध कराना होगा। जब तक भारत में वन नेशन वन एजुकेशन कोड नहीं होगा, वन नेशन वन सिलेबस नहीं होगा, वन नेशन वन करिकुलम नहीं होगा, तब तक देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं होगी। भारत में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो भारत के खिलाफ नफरत सिखाते हैं, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिखाया जाता है न भारत के त्यौहार को मानो, न भारत की परंपरा को मानो, न भारत की संस्कृति को मानो, न वंदे मातरम बोलो,
बहुत सारी इसमें देश विरोधी गतिविधियां सिखाई जाती हैं, उसका एक ही समाधान है, आर्टिकल 21A को बदल दिया जाए, उसमें लिखा जाए स्टेट शैल प्रोवाइड यूनिफॉर्म फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन, वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 21A को बदला जाए। इसी तरीके से भारत में जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि कितने साल में जस्टिस, एक साल में जस्टिस कि पांच साल में जस्टिस कि दस साल में जस्टिस कि बीस साल में जस्टिस। इसके लिए एक नया आपको आर्टिकल संविधान में जोड़ना पड़ेगा आर्टिकल 21B और लिखना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर जस्टिस विद इन ईयर, यानी ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ड्यूटी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी होगी, ये हाई कोर्ट की ड्यूटी होगी, एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 21B जोड़ना पड़ेगा, एक नया सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा स्टेट शैल सिक्योर जस्टिस विद इन ईयर। भारत में आज की डेट में कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता है, छः छः महीने की लंबी तारीख मिलती है। क्यों छः महीने की लंबी तारीख, एक एक हफ्ते के अंदर तारीख पड़ सकती है। तो भारत में अगर जस्टिस विद इन ईयर करना है तो वन नेशन वन पुलिस कोड चाहिए, वन नेशन वन एविडेंस कोड चाहिए, वन नेशन वन पिनल कोड चाहिए, वन नेशन वन सिविल कोड चाहिए, ये जरूरी है, और एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा स्टेट सेल सिक्योर जस्टिस विद इन ईयर। इसी तरीके से अगर आपको भारत में जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है इसको रोकना है तो आर्टिकल 25 से एक शब्द निकालना पड़ेगा प्रोपोगेट। अब प्रोपोगेट निकालना है तो आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है इसलिए दो तिहाई बहुमत चाहिए होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 29-30 में ये तो लिखा हुआ है माइनॉरिटी के लिए ये सुविधाएं हैं, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा आज तक डिफाइन नहीं किया गया। अब जरूरत यह है कि आर्टिकल 29 को बदला जाए, आर्टिकल 39 को बदला जाए, माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाई जाए। इसी तरीके से आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है आपको क्या करना है, भारत को मानना है, भारत की संस्कृति को मानना है, राष्ट्रीय झंडे को मानना है, भारत को अपमान नहीं करना है, देश की एकता अखंडता मजबूत करनी है, बहन बेटियों का सम्मान करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी, सब लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो न माने उसको दंड मिले, फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिएबल हो, फंडामेंटल ड्यूटी पनिशेबल हो, जो न माने फंडामेंटल ड्यूटी उसको दंड का प्रावधान हो, इसके लिए जरूरत है आर्टिकल 51A को बदला जाए। इसी तरीके से पूरे देश में जजों का एक जैसी क्वालिटी हो, उसके लिए जरूरत यह है कि ऑल इंडिया लेवल पे जजेस का एग्जाम हो, जैसे IAS का एग्जाम होता है, JEE होता है, नीट होता है, क्लैट होता है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। अभी जो स्टेट लेवल पे जजों का एग्जाम होता है अलग अलग राज्य अलग अलग करते हैं, इसलिए जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के जज की क्वालिटी, झारखंड के जज की क्वालिटी में बहुत अंतर है। पूरे देश में जजों की एक कॉम्पिटेंस हो, एक जैसी क्वालिटी हो, तो ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम करना पड़ेगा। इसी तरीके से पब्लिक ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट हो रखा है, उसके कारण क्या होता है, बंगाल में संदेश खाली हो जाता है, पुलिस FIR नहीं करती। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो पुलिस मुकदमों आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, आज की डेट में बुलडोजर भी चला देती है। ऐसा कानून नहीं चाहिए, हमें चाहिए वन नेशन वन पुलिस कोड, पुलिस पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, वो अपराधियों के खिलाफ काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे, सत्ता का कोई भय ना हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई खतरा ना हो। ये तभी हो सकता है जब भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो। मेरा ये मानना है कि अगर हम भारत को वास्तव में बदलना चाहते हैं, एक नया भारत बनाना चाहते हैं, वन नेशन भारत में रामराज स्थापित करना चाहते हैं, भारत में घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी सब खत्म करना चाहते हैं, अवैध निर्माण रोकना चाहते हैं, घुसपैठ रोकना चाहते हैं, धर्मांतरण रोकना चाहते हैं, तो हमें कानून बनाना पड़ेगा। और कानून बनाने के लिए मैंने आपको बताया संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब इस संविधान में जो संशोधन होगा इसके लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए, दो तिहाई राज्यसभा में, दो तिहाई लोकसभा में। चूंकि राज्यसभा में अभी NDA के पास 117 सांसद हैं, तो इसलिए राज्यसभा में तो दो तिहाई हो ही नहीं सकता। तो दूसरा क्या तरीका है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए लोकसभा राज्यसभा का, और उस ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी प्रूव किया जाए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी का मतलब 521 सांसद चाहिए। अब टोटल 521 चाहिए, राज्यसभा में 117 है, इसका मतलब 521 माइनस 117 तो हो गया 404। यानी ये संविधान में जितने बदलाव मैं बता रहा हूँ ये तभी हो सकता है जब लोकसभा में अब की बार 404 सीट बीजेपी को मिले, यानी जो 1984 में राजीव गांधी को 404 सीट मिली थी, अगर उतनी सीट वापस बीजेपी को मिल जाए 404, तब ये संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन केवल 404 सीट मिलने से भी संशोधन नहीं होगा जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फेसबुक पर डालिए, अपने ट्विटर पर डालिए, अपने इंस्टाग्राम पर डालिए, जहाँ जहाँ इसको फॉरवर्ड कर सकते फॉरवर्ड करिए। तभी होगा जब जनता डिमांड करेगी, परिवर्तन तभी आएगा जब
पहली बात तो 404 सीट आए और दूसरा आप सब लोग संविधान में संशोधन की डिमांड करिए।